वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे ज्योग्राफी के बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट 10 सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। ये एपिसोड नंबर 2 है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सुपरनोवा क्या है? आपको आंसर सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक विस्फोट सितारा। सुपरनोवा एक विस्फोट सितारा है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनोलेशन। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड के मूल विकास और अंतिम भाग के अध्ययन को किसके रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सौर्य मंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह घटते क्रम में है। ध्यान से आप देखिए, इंपॉर्टेंट है, हो सके कि द्वितीय पूछता है, तृतीय पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो हर हाल में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं कंफर्मेशन यानी कि कॉन्फिडेंस के पास साथ पता है तो। ओके, ऑप्शंस को ध्यान दीजिए और राइट आंसर सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहले बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है और उसके लास्ट यानी कि 4th नंबर पे नेपच्यून है। ओके, स्क्रीनशॉट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न डिवाइस में से कौन सा नमी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंद्रता मापी। ओके, हाइग्रोमीटर। बहुत अच्छे सवाल है, हाइग्रोमीटर से नमी को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लैंड और समुद्री हवा किसके कारण होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन के वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद। सवाल नंबर 7, शब्द अधिकेंद्र किसके साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूकंप, अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल की न्यूनतम परत कौन सी है?
ये हमारे एग्जाम में पूछे गए थे, एसएससी की ही कोई एग्जाम थे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रोफोस्फियर। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रोफोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोकण तट। ओके, क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल, मजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप डैश राज्य में स्थित है, अर्थात किस राज्य में स्थित है? आपको राइट आंसर पता है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर लिख करके कमेंट कीजिए। वीडियो अब तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए, और कर दिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई बटन में क्लिक करके आप इसके पिछले एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं, वे बहुत इंपॉर्टेंट थे। और आपके लिए एक दिवाली मेगा ऑफर है, यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आप साइंस पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो साइंस के रोजाना एपिसोड अपलोड हो रहे हैं, जिसे देखकर आप अपने साइंस सेक्शन को अच्छे कर सकते हैं। उसके एपिसोड नंबर 4 आज लंच हो चुके हैं, यहाँ से भी अगर आप करते हैं तो आपका हिस्ट्री अच्छे हो जाएंगे आने वाले दिनों में। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ना पसंद करते हैं तो ज्योग्राफी के आज एपिसोड नंबर 3 कुछ ही देर में एपिसोड नंबर 2 लॉन्च होंगे, उसे देखकर आप ज्योग्राफी को अच्छे कर सकते हैं। आप साइंस तो आपने देखा, और साइंस को रेगुलर करेंगे तो आपका साइंस अच्छे हो जाएंगे। अभी के एग्जाम में आपको पता है होना चाहिए कि पॉलिटी प्लस सिविक्स के भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए कल दीपावली के शुभ अवसर पर हम एक एपिसोड लॉन्च करेंगे, हमारे ग्रुप की ओर से पूरी जोर है और उस पर वर्क हो रहे हैं, उन्हें भी आप रेगुलर मेंटेन करके आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि सुबह में 25-25 वाले एपिसोड जो चल रहे थे वे कल 50 लगा दिए, अर्थात वे 1300 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को क्लियर कर लिए, यानी कि आपने शुरू से अब तक उस एपिसोड को देखे होंगे तो आपने 1300 प्रश्नों को सिर्फ उस एपिसोड के माध्यम से पढ़ लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है। औरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप में टैलेंट तो जरूर होगा, औरों का रिजल्ट होगा तो आपका मेरिट जरूर बनेगा। इसलिए हमारे इस सारे एपिसोडों से जुड़ जाइए और समय निकाल करके डेली की डेली वर्क कीजिए। डेली जो भी वीडियो अपलोड होते हैं आप किसी भी फ्री टाइम में उसे देख सकते हैं, और देखने वालों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, टॉनिक की तरह फ़ायदा करेगा। आपको किसी भी एग्ज़ाम देना हो, आपको पुलिस वाली एग्ज़ाम देना है या ऑफिसर वाली एग्ज़ाम देना है या बैंकिंग वाली एग्ज़ाम देना है या कोई भी स्टेट वाले एग्ज़ाम देना है, आपको हर हाल में हमारे एपिसोड को देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक होता है और स्ट्रांग होता है, इम्पोर्टेंट होता है और आपके एग्जाम के पर्पस से होता है, और डायरेक्ट प्रश्न भी तो आते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और दोस्तों, आपको कंप्यूटर के भी एपिसोड बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, आपके लिए बहुत मेहनत हो रहा है दोस्तों, विश्वास नहीं कीजिएगा। हमारे अभी के जो ग्रुप में हमारे मेंबर्स हैं वो 4 से अब 5 हो गए हैं, और पांचों जने मेहनत करते हैं। पांचों जने तो पहले सभी के सभी अपना खुद की पढ़ाई करते हैं, उसके नोट्स में से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस लाने के बाद आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं कि आजकल के एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, वहाँ से फिर जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं कॉमन एग्जाम में क्वेश्चन, कोई कोई ऐसा होता है कि तीन तीन चार चार एग्जाम में एक ही प्रश्न को पूछ देता है, उस टाइप के प्रश्न को लेना हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉमन है फिर पूछेगा और पूछता भी है, तो उस प्रश्न को लेकर के हम लोग 25-25 वाले एपिसोड में शिफ्ट कर देते हैं,
वे एपिसोड को अगर आप देख रहे हैं तो वहां से डायरेक्ट प्रश्न लड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वे एपिसोड में आपके जीके हैं, प्लस जीएस हैं, प्लस करेंट अफेयर्स हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसा नहीं पूछ लिए गए जो भी अभी तो कॉमन प्रश्न है, ये पूछ लिए तो कॉमन प्रश्न है, अगर एग्जाम इसको आपसे पूछ लिया तो ये ब्रांडेड हो गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उसमें 10 से 15% प्रश्न रोजाना ब्रांडेड होते हैं, मतलब प्रेजेंट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उसमें होते हैं, चाहे वे करंट के हो या जीके के हो या साइंस के हो, प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको बार बार ये इंट्रो हम नहीं देंगे, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। यदि आप इच्छा रखते हैं कि हम भी कुछ अच्छे करें तो जरूर जुड़ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब खेलते रहिए, आपका बल्ले बल्ले है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, वंदे मातरम।